हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसी हो आप सब लोग? अच्छे होंगे। और गाइस, मैं भी बढ़िया हूँ। लेकिन आप देख सकते हो गाइस, कितनी गर्मी हो रही है, काफ़ी धूप हो रही है। और आप इधर देख सकते हो कितनी धूप है और कितनी गर्मी है, कोई भी बाहर नज़र नहीं आ रहा है। और गाइस, आप देख सकते हो इधर भी क्या माहौल है, बिल्कुल शांति का माहौल है। सब अपने अपने घर में बैठे हैं और 5 बज चुके हैं करीब शाम के। आप देख सकते हो इधर भी कितनी धूप है। और ये नीचे हमारी नंद है, वो आप देख सकते हो नीचे, वो काम कर रही हैं अपने घर में। और नीचे गाय भी खड़ी हैं बाहर, कुछ एक दो बाबा भी बैठे हैं। गर्मी की वजह से सब लोग काफ़ी बेहाल हो रहे हैं, और अब की बार गर्मी कुछ इतनी पड़ रही है। गाइस, आप सब लोग अपना ख्याल रखना। और मैंने तो अभी अपने लिए कोल्ड ड्रिंक मंगाई है, अब गर्मी हो रही है। मेरा छोटा बेटा कोल्ड ड्रिंक लेने गया है गाइस, और अब मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊँगी अपने बेटे के साथ। और गाइस, आप देख सकते हो गर्मी का एक अलग ही माहौल हो रहा है, और सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में हैं। और गाइस, आप लोग भी अपना ख्याल रखो गर्मी में। और शाम का टाइम हो गया है, लेकिन शाम लग नहीं रही है, अभी भी काफ़ी धूप है। माहौल बहुत गर्म हो रहा है गर्मी की वजह से। करीब 5:15 बजने वाले हैं, और गर्मी ने बस कुछ ज़्यादा ही हद कर रखी है। और मुझे तो गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है, इसलिए मैंने ये देखना गर्मी की वजह से बहुत ही हल्के कपड़े डाल रखे हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे पैर भी जल रहे हैं, मैं जूती पहन लेती हूँ आप देख सकते हो, क्योंकि मुझे गर्म लग रहा है कि मैंने जूतियाँ डाल ली हैं गर्मी में, क्योंकि काफ़ी गर्म लग रहा है फरस मुझे। और ये मैंने जूती पहन ली है गर्मी की वजह से। और अभी मेरा छोटा बेटा आ रहा है, कोल्ड ड्रिंक लेने गया है। कैसे हो? और बताओ, ध्यान रखियो, गर्मी बहुत पड़ रही है। ठंडा नींबू पानी पीते रहियो। हाँ, बहुत तेज धूप है। अभी देखो 5:15 बज गए, लेकिन धूप काफी हो रही। गाइस, ये हमारे पड़ोस में रहती हैं, आप देख सकते हो, और ये अपनी छत पर हैं। वो मुझसे बोल रही थी, आप देख सकते हो, तो बोल रही थी गर्मी के लिए, तो मैंने उन्हें भी बोला कि अपना ध्यान रखें, काफ़ी गर्मी हो रही है। और आप देख सकते हो मेरा छोटा बेटा कोल्ड ड्रिंक लेके आ गया है, ये देख सकते हो आप, ये जीने में से आ रहा है कोल्ड ड्रिंक लेके। नमस्ते करो विशु सबको। नमस्ते जी। ये ना, ये मेरा छोटा बेटा है, अभी ये कोल्ड ड्रिंक लेके आया, अब हम लोग कोल्ड ड्रिंक पियेंगे और इन्जॉय द गर्मी, गर्मी को इन्जॉय करेंगे। और आप लोग भी गाइस गर्मी को इन्जॉय करो, और ख़ास करके आप अपना और अपनी फैमिली का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। कोल्ड ड्रिंक वगैरह, नींबू पानी और सिखंजी, ठंडा पानी आप सब लोग पीते रहें, और अपना ख्याल रखें, और बने रहें मेरे ब्लॉग में। अभी आओ, अब हम सब लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो। और गाइज, ये मेरी बेटी बोल रही है कि आप लोग मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। ये जेठ के बच्चे बैठे हैं, वो छोटा बेटा है, और आप भी सब गर्मी में कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते रहें और अपना ख्याल रखें ज्यादा से ज्यादा। और गाइज, मैंने अभी अपनी आलू बैंगन की भी सब्जी बना दी है शाम की वजह से, क्योंकि गर्मी काफी हो रही है, फिर किचन में भी जाया नहीं जाता है। और अभी मैं आप लोगों को अपनी किचन में भी लेके चलूंगी, तब तक मैं कोल्ड ड्रिंक पी लेती हूँ, और आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहना। ये देखो, बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं, फुल इंजॉय कर रहे हैं, और वो हमारी टिप्सी है। और गर्मी काफी हो रही है गाइस, ज्यादा से ज्यादा आप लोग अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। और अभी आप बने रहना मेरे ब्लॉग में, अभी मैं किचन में चलूंगी, आप लोग मेरे साथ किचन में चलना। धन्यवाद। और गाइस, आप लोग देख सकते हो अभी मेरे, देखो बर्तन भी रखे हुए हैं, क्योंकि गर्मी काफ़ी हो रही है, बर्तन मुझे बाहर ही करने पड़ते हैं। और अभी मैं सब्जी बना करके, मैंने यहाँ से चद्दर उठा देती हूँ, क्योंकि उन लोगों ने बैठ के कोल्ड ड्रिंक पी थी। और अभी मैं अपने अंदर किचन में जा रही हूँ, आओ मेरी किचन में, क्योंकि गर्मी काफ़ी है गाइस। और ये मेरी टिप्सी है, ये मेरा अंदर वाला रूम है, आप देख सकते हो, यहाँ पर मेरी कान्हा जी बैठे हैं, लड्डू गोपाल, और इनके लिए मैंने, ये देख सकते हो आप, ये मेरे लड्डू गोपाल हैं, मैं इनकी सेवा करती हूँ। और इन्हें भी गर्मी लग रही थी, इसलिए मैंने एक हल्की सी इन्हें जैकेट पहना रखी है इन्हें ला करके। और ये हमारा
बाथरूम है, तो ये हमारी टिप्सी। टिप्सी जाओ उधर चलो। ये देखो कहने से ही चली जाती है, मेरा बहुत कहना मानती है। और ये देखो इसमें बैठ जा टिप्सी, वहीं पे बैठ जाओ। ये टिप्सी इधर आ गई है, गर्मी हो रही है तो इसी में बैठी रहती है। आप देख सकते हो ये वापस उसी में जा रही है, और इसे गर्मी लगती है तो ये इसमें बाथरूम में ही बैठी रहती है। और गाइज ये मेरी किचन है, आप देख सकते हो मैं किचन में आ गई हूँ, बने रहो मेरे ब्लॉग में। और गाइज आप देख सकते हो ये गैस चल रही है, कुकर रखा हुआ है, मैंने आलू बैंगन की सब्जी बनाई है। और आप देख सकते हो ये सब्जी मेरी तैयार हो चुकी है, मैं इसे खोल के देखती हूँ। और गाइज गर्मी बहुत है, अभी मैं आटा भी छानूंगी और आप बने रहना मेरे साथ ब्लॉग में, क्योंकि गर्मी काफ़ी हो रही है गाइज। खाना बनाने का भी मन नहीं होता गर्मी में, लेकिन बनाना पड़ता है। और ये मैं अब देखो अपनी गैस बंद कर देती हूँ, और मेरी सब्जी भी ये तैयार हो चुकी है गाइज, आप देख सकते हो। एक मिनट गाइज, आप लोग गाइज सब्जी भी मेरी तैयार हो चुकी है। ये देखिए मैंने गाइज आलू बैंगन बनाए हैं, ये देख सकते हो आप, आलू बैंगन की बढ़िया सब्जी तैयार हो गई है गाइज। और जिसे जिसे खाने हैं गाइज आलू बैंगन, वो कमेंट करके जरूर बताएं, जिसे पसंद है वो भी कमेंट करें और जिसे पसंद नहीं है वो भी कमेंट करें। और गाइज अब मैं आटा छाना है, आप लोग बने रहना मेरे ब्लॉग में, और फिर मैं रोटी बनाने की तैयारी करूंगी गाइज। आप देख सकते हो मैं अब आटा छान रही हूँ। गाइज गर्मी काफ़ी है, और मैं खाने की भी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि शाम के 5:30 बज चुके हैं, और गांव है तो गांव में सब थोड़ा जल्दी ही खाना बना लेते हैं, और गर्मी की वजह से तो थोड़ा सा सब जल्दी ही बनाते हैं। और गाइज आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ सपोर्ट करो, मेरा वॉच टाइम पूरा कराओ, और आप लोग मेरे ब्लॉग भी शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ब्लॉग देखो गाइज, आप लोग प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट मी। आप मेरी फैमिली हो, और क्या नाम, हम जब एक साथ काम कर रहे हैं तो आप मेरी एक फैमिली हो, आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ सपोर्ट करो, और मेरा वॉच टाइम पूरा कराने में प्लीज़ मेरी हेल्प करो। और आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करके मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो गाइज, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ब्लॉग देखो, शेयर करो, मेरी वीडियो शेयर करो, और मेरा वॉच टाइम पूरा कराओ, और मुझे जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाओ। आप सब लोगों की लाइक से एक हिम्मत मिलती है, और आप लोग जब ब्लॉग वगैरह देखते हो, शेयर करते हो, तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि अपने ही अपनों के काम आते हैं, और आप मेरी एक फैमिली हो। ये मैंने आटा क्लियर कर दिया है गाइस, और गाइस जब शाम का टाइम हो रहा है तो मैं आटे की आटे को गूंद लेती हूँ, आप लोग बने रहना मेरे ब्लॉग में। गाइस आप देख सकते हो मैंने अपने आटा गूंदने की तैयारी कर ली है, और अब मैं ही आटा गूंद रही हूँ। और गाइस गर्मी बहुत हो रही है, और गर्मी की वजह से जल्दी ही काम करना पड़ता है, और गर्मी में आप भी गाइस अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा जूस, कोल्ड ड्रिंक, गन्ने का जूस, और गाइस शिकंजी वगैरह, नींबू पानी वगैरह पीते रहें, क्योंकि आप सब लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें गर्मी में, यही मेरी दुआ है, क्योंकि गर्मी काफ़ी पड़ रही है, और आप सब लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। और गाइस ये देखो अब मैंने आटे की तैयारी कर दी है, और इसके बाद मैं रोटी बनाऊंगी, सब्जी मेरी तैयार हो चुकी है, जब बच्चे खाना खाएंगे तो मैं रोटी सेकूंगी। और गाइस शाम का टाइम होगा तो मैं शाम का टाइम हो जाएगा तो मैं छत पर जाऊंगी, क्योंकि गर्मी नीचे काफ़ी लगती है, तो यहाँ पर रुका भी नहीं जाता है गर्मी में, और रात भी बरसात का मौसम हुआ था गाइस, लेकिन बरसात नहीं हुई।
देख सकते हो आटा गूंथ के तैयार हो गया। अब जब खाना खाएंगे तब मैं सेक दूंगी। और थैंक यू। हेलो गाइज, आप देख सकते हो शाम हो रही है, मैं छत पे आई हूँ। ये हमारे घर की छत है, आप देख सकते हो। और गर्मी काफ़ी हो रही है। ये देखिए हमारा गांव है, देख सकते हो आप, गर्मी बहुत है। ये इधर से हमारा देखो पूरा घर दिखता है। इधर हमारी चाची जी का घर है और इधर ये देख सकते हो आप, ये हमारा पूरा घर है। ये इधर पड़ोसी हैं, इधर भी सब अपनी छतों पे हैं। इस टाइम आप देख सकते हो, ये देखिए आप, हमारा ये पूरा गांव है। गर्मी काफ़ी हो रही है तो शाम के टाइम गाइस ऊपर ही आ जाते हैं। और आप देख सकते हो थोड़ा सर पे पल्ला रखना पड़ता है क्योंकि जेठ वगैरह भी हैं। और आप देख सकते हो ये हमारे इधर पड़ोसी बैठे हैं, वो मुझे हाई कर रही हैं, मैं भी उन्हें हाई कर रही हूँ, देख सकते हो सामने बैठी हूँ। और काफ़ी मन लगता है इस टाइम, और ये देखना इधर हमारे खेत हैं। गाइस जिसे भी मेरा ब्लॉग अच्छा लगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ब्लॉग को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो लाइक करना। और गाइस मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो, मेरे ब्लॉग शेयर करो और मेरे पोस्ट टाइम पूरा कराओ। प्लीज़ 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 सपोर्ट मी, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो और अपने ही अपने होते हैं। और प्लीज़ गाइस सभी का धन्यवाद मेरे ब्लॉग में बने रहने के लिए। आप देख सकते हो शाम का समय है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और गाइस सब लोग, गर्मी पड़ रही है, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना, और ज़्यादा से ज़्यादा नींबू पानी और ठंडा पानी और कोल्ड ड्रिंक वगैरह, सिकंजी वगैरह का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना। और आप सभी स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, यही मेरी दुआ है। सभी को धन्यवाद और गुड इवनिंग, बाय, थैंक यू।